आज मैं आपके साथ एक बहुत ही क्विक और टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस रेसिपी के लिए हम सबसे पहले लेंगे 3 टेबलस्पून के करीब बेसन और 8 टेबलस्पून के करीब फुल फैट मिल्क। ठंडा नहीं लेना है, रूम टेम्परेचर पे लेना है। इसके बाद इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे इसमें कोई गांठ नहीं पड़नी चाहिए, तो बहुत अच्छे से आप इन दोनों को मिक्स कर लें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 अंडे डालेंगे, 2 eggs, और उसके बाद सारी चीजों को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लें। ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी शिमला मिर्च। अगर आपके पास शिमला मिर्च नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप इसे बगैर शिमला मिर्च के भी बना सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। मिर्ची आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, ज्यादा खाना है ज्यादा डालें, कम खाना है कम डालें, नहीं खाना है मत डालें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बहुत ही बारीक कटी हुई ताजी हरी धनिया पत्ती, नमक स्वाद अनुसार, और सारी चीजों को अच्छे से मिला लें। इस रेसिपी के लिए हमें एक पतला घोल या बैटर तैयार करना है, तो अगर जरूरत पड़े तो आप थोड़ा सा और मिल्क ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप एक पैन गरम कर लें और उसमें 1 टेबलस्पून के करीब तेल लेके उसे अच्छे से स्प्रेड करें। अब हमने जो मिक्सचर तैयार किया है उस मिक्सचर का आधा हिस्सा जो है आप इस पैन में पोर करके उसे अच्छे से फैला लें, उसे अच्छे से स्प्रेड कर दें। इस रेसिपी को हम अंडे और बेसन का ऑमलेट बोल सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत फास्ट बनती है और बहुत ही हेल्थी भी होती है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये ऑमलेट जो है आप जितना पतला बनाएंगे उतना ही टेस्टी बनेगा। आप इसे बड़े पैन में बनाएं, अगर आपके पास बड़ा पैन नहीं है तो आप छोटे पैन में बनाएं, लेकिन छोटी छोटी ऑमलेट बनाएं और पतली पतली ऑमलेट बनाएं। इस ऑमलेट को हम मीडियम हीट पे पकाएंगे। पैन में मिक्सचर पोर करने के बाद आप उसे 2 मिनट के लिए पका लें और उसके बाद उसे पलट दें। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन, इसी तरह का कलर हमें चाहिए। दूसरी साइड को भी आप मोर और लेस 1 या 2 मिनट के लिए पका लें, जब तक इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। बस आपका ऑमलेट तैयार हो गया। आप इसे किसी भी सॉस या चटनी के साथ खा सकते हैं। आप इसे जिस तरह से सर्व करना चाहें उस तरह से सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसे गर्म सर्व कीजिए और गर्म खाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।